हिंदू धर्म में सांप को पूजनीय माना जाता है। सांप को भगवान शिव के गले का हार बताया गया है। भगवान शिव को सांपों का देवता भी कहा जाता है। वहीं भगवान शिव का प्रिय महीना सावन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो इसका क्या अर्थ है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में सांप के दिखाई देने का अलग मतलब होता है। चलिए आपको बताते हैं सावन के महीने में सांप देखने का क्या मतलब है। सपने में सांप को पकड़ते देखना। कई बार व्यक्ति सपने में देखता है कि उसने सांप को पकड़ लिया है। इस तरह का सपना आने पर कई बार हम घबरा जाते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह का सपना आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपको आने वाले समय में धन की प्राप्ति होगी। अगर आप कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। सपने में सफेद सांप देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सफेद रंग का सांप देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद रंग का सांप देखना इस बात का इशारा है कि आपको जल्द ही बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, साथ ही आपको नौकरी और व्यवसाय में बड़ी तरक्की भी मिलने वाली है। सपने में सांप को फन उठाते हुए देखना। अगर किसी व्यक्ति को सावन के महीने में सपने में फन उठाता हुआ सांप दिखाई दे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह का सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह के सपने का अर्थ है कि आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है या फिर आपको संपत्ति लाभ मिल सकता है। सपने में पीले रंग का सांप देखना। सावन के महीने में अगर आपको पीले रंग का सांप दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपको नौकरी या व्यापार के काम के चलते अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। सपने में हरे रंग का सांप देखना। सावन के महीने में अगर किसी व्यक्ति को हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सावन में इस तरह का सपना बेहद शुभ माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।